नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजपुर में पान विकास निगम को लेकर चौरसिया समाज के लोगों द्वारा एक विशाल जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को पहले जागरूक किया गया। गौरतलब है कि अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आ रहे हैं और उसके सम्मुख मानव श्रृंखला बनाकर उनसे पान विकास निगम की मांग की जाएगी। चौरसिया समाज के जिलाध्यक्ष मानिक चौरसिया और नगर अध्यक्ष मनोज चौरसिया के नेतृत्व में ये यात्रा बस स्टैंड की धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पूरा चक्कर लगाकर वापस बस स्टैंड पर आकर संपन्न हुई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के 21 जिलों में पान की खेती होती है और लाखों लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। पान विकास निगम की स्थापना हो जाने के बाद उनके इस उद्योग को और भी बढ़ावा मिलेगा। और तलब है कि भारत देश का पान बाहर के लिए भी निर्यात किया जाता है, लेकिन अब उसमें काफ़ी कमी आती जा रही है। इसी के मद्देनज़र चौरसिया समाज द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है और पान विकास निगम की मांग की जा रही है। पान की खेती के लिए अभी तो देखिए क्या सरकार के द्वारा कोई ना तो योजना चलती है, ना तो कोई सहयोग प्रदान होता है। पान की खेती करने वाले लोग स्वयं के विवेक के आधार पर खेती का व्यवसाय करते आ रहे हैं। पूर्वजों से जो सीखा है उसी पद्धति से खेती करते आ रहे हैं, जबकि आज नई तकनीकी आ गई है। मैंने कई जगह देखा है कि पॉली हाउस में भी पान की खेती होती है, पान से तेल निकलता है जिसकी कीमत लाखों रुपए केजी है और उस तेल का उपयोग कई चीज़ों में होता है, एंटीबायोटिक के रूप में होता है, सेंट के रूप में होता है। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में पान विकास के लिए पान विकास निगम बनाए जाने का ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में पान की खेती होती है, लेकिन पान के विकास के लिए सरकार की कोई कारगर योजना ना होने के कारण कल प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराजपुर आ रहे हैं। हम समस्त पान कृषक, समस्त चौरसिया बंधु और मुख्यमंत्री जी को पान विकास निगम बनाए जाने की मांग करेंगे, क्योंकि जब तक पान विकास निगम नहीं बनेगा तब तक पान कृषकों का विकास नहीं होगा। लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो पान विकास निगम की बात जो चल रही है, हम लोग रूबरू करवाई के संगठन के माध्यम से इस बात को 2 साल से उठा रहे थे और चौरसिया समाज छतरपुर के माध्यम से आज चूँकि मुख्यमंत्री हमारे महाराजपुर विधानसभा में हैं, मैं हम लोग अपील करते हैं कि जब मुख्यमंत्री हमारे नगर में हैं तो हम उनसे यहाँ चौरसिया समाज के लोगों के साथ इकट्ठा होकर उनसे इस बात को रखें और इस पान विकास निगम को बनवाने की बात करें। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।